डेमोक्रेटिक इंडिया में ज्ञानवापी मस्जिद के जगह कोई मंदिर नहीं था जिसको तोड़ के उस मस्जिद को बनाया गया, लेकिन इसी इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक देश में हमने देखा कि बाबरी मस्जिद को तोड़ के उसमें मंदिर बनाया जा रहा है। तो दूसरी धर्म को आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए सिर्फ ये वाला जो संविधान लागू होगा सिर्फ दलितों पर लागू होगा, मुसलमानों पर लागू होगा। जब ये अधर्मी संसद से जाते हैं और मुल्लाओं को काटने की बातें करते हैं, तलवारें बांटी जाती हैं, मुसलमान औरतों को कहा जाता है इनको उठा उठा के इनको मारो, हिंदू युवक इनके साथ उल्टे सीधे काम करके इनका धर्म खराब करें, तब कहाँ चला जाता है संविधान, तब कहाँ चली जाती है देश की पुलिस, तब कहाँ चला जाता है देश का गृह मंत्रालय। देश में CNG 2 महीने पहले 44 रुपए किलो था, आज के डेट में 80 रुपए किलो टच किया है। या आम जनता खाना नहीं खा पा रही है, आम चीज़ों का कीमत बढ़ गया, इस पर कोई बातचीत नहीं हो रहा है, क्योंकि इस पर बातचीत होने से पहले कोई मंदिर मस्जिद कोई हिंदू मुसलमान का ये कर दे रही है सरकार। प्रोटेस्ट कॉल किया गया है जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में हमने देखा कि प्रोफेसर रविकांत के ऊपर, जो एक दलित प्रोफेसर हैं, उनके ऊपर ABVP ने किस तरीके से हमला किया और अभी तक यूनिवर्सिटी ने कोई भी और पुलिस ने भी कोई भी इसमें एक्शन नहीं लिया है जो परपेट्रेटर्स हैं उनके खिलाफ। और उसी के साथ हमने देखा कि किस तरीके से प्रोफेसर रतन लाल, जो एक हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, वो अपने अभिव्यक्ति के लिए, वो जो बात रखने की आज़ादी है, उन्होंने एक पोस्ट किया फेसबुक पे और उन्होंने अपने व्यूज़ रखे फेसबुक पे और उसकी वजह से उनको साइबर सेल ने अरेस्ट कर लिया। हालांकि वो शिवलिंग का मजाक उड़ा रहे थे, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे थे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि धार्मिक अगर मजाक कोई उड़ा रहा है हमारे देश में, कम्युनलिज्म कोई ला रहा है और नफरत गर्दी कोई ला रहा है, तो वो है संघ, वो है BJP, वो है ABVP। और जितने भी प्रोग्रेसिव फोर्सेज हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि हिस्ट्री को, रतन लाल खुद एक हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो इतिहास है उसको बचाया जा सके, हमारे इतिहास को जो दोबारा रीराइट करने की कोशिश की जा रही है, उसको नए सिरे से लिखने की कोशिश की जा रही है और एकदम गलत फैक्ट्स को यूज़ करके, फैक्ट्स भी नहीं बोल सकते, मनगढ़ंत कहानियों को यूज़ कर करके एक हिस्ट्री क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। और उसी के खिलाफ प्रोफेसर रतन लाल जैसे तमाम एक्टिविस्ट, प्रोफेसर्स, जर्नलिस्ट, लॉयर्स खड़े हैं और उन तमाम लोगों पे आज के टाइम पे हम देख रहे हैं कि अटैक है, तमाम लोगों के राइट और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर आज अटैक है और हमारे देश को ज़्यादा से ज़्यादा दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी और मुस्लिम विरोधी बनाने की कोशिश की जा रही है। और BJP की नफरत गढ़ती राजनीति को ज़्यादा से ज़्यादा ये सरकार दिल्ली पुलिस जैसे इंस्टीट्यूशंस का यूज़ करके अपने एजेंडा को आगे पुश कर रही है। प्रोफेसर रतन लाल एक मुखर आवाज़ हैं, एक्टिविस्ट हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है उस आवाज़ को दबाने के लिए सब किया जा रहा हो? देखिए, प्रोफेसर रतन लाल एक दलित प्रोफेसर है और अगर हम देखें कि वो अम्बेडकर नामा नाम के एक पेज चलाते हैं और जिसके थ्रू वो कई अम्बेडकर के थाट्स को, पेरियार, फूले के थाट्स को डिस्कस करते हैं और इसी बात से ये सरकार, ये BJP, RSS डरती है कि अगर हम सब सोचने लगे और हम सब अपने सोच को, हम जो पढ़ाई कर रहे हैं उसको हम ज़मीन पे उतारने लगे तो इससे उनको थ्रेट है, क्योंकि वो चाहते ही नहीं हैं आज का यूथ, आज का जो भी एजुकेशन सिस्टम है, वो चाहते ही नहीं है कि हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन रखें, वो चाहते ही नहीं है कि हम पढ़े सब कुछ और डिसाइड करें कि क्या सही है क्या गलत, वो हमारे लिए डिसाइड करना चाहते हैं कि हम क्या पहने, हम क्या खाएं, हम क्या सोचें, हम क्या बोलें और हम क्या पढ़ें। और इसी के खिलाफ प्रोफेसर रतन लाल जैसे तमाम प्रोग्रेसिव लोग खड़े हैं और इसी से BJP को खतरा है। ज्ञानवापी के नाम से एक पॉलिटिकल सिनेरियो फिर से चेंज हो गया भारत का, जहां लोग महंगाई और बेरोजगारी को लेकर बातें करने लगे थे, अब वापस हिंदू मुस्लिम और मस्जिद मंदिर की बातें होने लगी। देखिए, BJP ज्ञानवापी मंदिर का आपका क्या कहना है? ज्ञानवापी, देखिए, मैं खुद एक हिस्ट्री की स्टूडेंट हूँ और अगर आप देखें कि डेमोक्रेटिक इंडिया में
ज्ञानवापी मस्जिद के जगह कोई मंदिर नहीं था जिसको तोड़ के उस मस्जिद को बनाया गया। लेकिन इसी इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक देश में हमने देखा कि बाबरी मस्जिद को तोड़ के उसमें मंदिर बनाया जा रहा है। तो ज्ञानवापी मॉस्क इस बाबरी मस्जिद 2.0 दोबारा एक कम्युनल एजेंडा के साथ देश में मुसलमानों और हिंदुओं को लड़ाने के वजह से ऑप्रेस मार्जिनलाइज सेक्शंस को दोबारा यूज़ करने के लिए सरकारी कर रही है। वो नहीं चाहती कि लोग एम्प्लॉयमेंट मांगे, वो नहीं चाहती कि लोग सवाल उठाएं कि हमारे पास नौकरी क्यों नहीं है, वो नहीं चाहती कि लोग सवाल उठाएं कि हम क्यों पैसा देना पड़ेगा पढ़ाई करने के लिए। और इन्हीं सब बातों से हम लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इस ज्ञानवापी मस्जिद के इशू को दोबारा लाया गया है। और आने वाले समय में मुझे पूरा भरोसा है कि बीजेपी कोशिश करेगी हर एक जो मस्जिद है हमारे देश में उसके नीचे एक मंदिर खोज के निकालने की। तो आपके हिसाब से मतलब पॉलिटिकल मुद्दा रहेगा मस्जिद का जो कोई बिल्कुल पॉलिटिकल मुद्दा है। मैं बनारस में खुद 4 साल रही हूँ और जितने तमाम लोग बनारस से आते हैं या बनारस गए हैं वो ये बोलेंगे कि ज्ञानवापी मस्जिद और विश्वनाथ मंदिर दोनों आसपास हैं और एक बहुत ही पीसफुल कोएग्जिस्टेंस आज तक वहाँ रहा। तो क्यों कोशिश किया जा रहा है कि उस पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को डिस्टर्ब किया जाए? क्यों ये सरकार चाह रही है कि इस मुद्दे को वो कम्युनलाइज करे कि वहाँ के लोगों का शांति छीन जाए? बनारस में मैं कई सालों पहले रही और तब मैंने देखा कि बहुत ही एक गिव एंड टेक रिलेशनशिप वहाँ पे हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में रहता है और उसी पे सरकार एक खतरा बनाना चाहती है क्योंकि वो चाहती है कि लोग इन्हीं सारे मुद्दों से भटकी हुई रहे हमेशा। केवल बात अब ज्ञानवापी तक नहीं रह गई है, ताजमहल तक आई, दिल्ली की जामा मस्जिद तक आई, अब अलीगढ़ की जामा मस्जिद तक पहुँच गई है। जी मैं वही बोल रही हूँ कि आने वाले समय में हर एक मस्जिद जो हमारे देश में वो खतरे में है और हर एक उस मस्जिद के नीचे ये सरकार ये बोलने की कोशिश करेगी कि उसके नीचे ज़रूर कोई मंदिर रहा होगा और यही उनका एजेंडा है। वो चाहता है चाहे CNRC हो, चाहे मॉब लिंचिंग हो, चाहे लव जिहाद हो, चाहे आपका काउ प्रोटेक्शन एक्ट, ये तमाम सारी जो चीज़ें हैं वो मुस्लिम्स और दलितों को प्रताड़ित करने के लिए लाई गई है। लव जिहाद जैसे जो लॉज हैं वो क्या है, मुस्लिम मैन को क्रिमिनलाइज करने के लिए लाए गए हैं। तो उसी तरीके से उनका जो एजेंडा है वो हर एस्पेक्ट से उसको अनलीश कर रहे हैं। तो आज आपने ये प्रोटेस्ट किया प्रोफेसर रतनलाल के लिए, अगर ये मुद्दे बढ़ते हैं जैसे हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर वाले, तो इनके लिए भी JNU में आवाज़ उठेंगी? बिल्कुल, JNU के ऊपर शायद सबसे बड़ा अटैक इस सरकार का इसीलिए रहा क्योंकि JNU के छात्र हर एक जो मुद्दा है, हर एक समय जहाँ पे मार्जिनलाइज सेक्शन के आवाज़ के साथ खड़े रहने की बात हो या हमारे प्रोफेसर स्टूडेंट्स जिन पे अटैक हो रहा है, जिन पे UAPA लग रहा है, उनके लिए खड़े होने की बात हो, JNU हमेशा आगे रहा है। और आने वाले समय में जब तक JNU में प्रोग्रेसिव फोर्सेज अलाइव है तब तक JNU इन सारे मुद्दों पे खड़ा रहेगा। ज्ञानवापी के नाम पे मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, उसके समर्थन में या उनके सपोर्ट में कोई आवाज़ उठाता है जैसे प्रोफेसर रतनलाल जी, तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्या कहना चाहते हैं ये सब माइनॉरिटीज को मतलब घेरने की पॉलिटिक्स है, टारगेट करने की पॉलिटिक्स है, क्या चाहती है सरकार? बिल्कुल आज मैं इस बात के लिए इस अभी का वक्त ये है कि हम किस चीज़ को अहमियत दें। हमारा वक्त इस तरह का है कि आज एजुकेशन में सब कुछ ख़त्म किया जा रहा है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के नाम पर तमाम जितने भी हाशिए के वर्ग के छात्र उनको बेदखल करने की पूरी साजिश हो रही है। लेकिन सरकार क्या चाहती है? सरकार चाहती है कि मंदिर और मस्जिद में लोग उलझे रहें और इसी के साथ साथ अपने वोट बैंक को बचाने के लिए वो चाहती है कि एक धर्म को सीधे सीधे ख़त्म किया जाए, उनको साइडलाइन किया जाए, उनको आउटलाइन किया जाए, उनको उस हाशिए पर डाल दिया जाए और जिसमें मुसलमान सबसे ऊपर हैं और मुसलमान को लगातार हमला कर रही है। मुसलमानों पर आप देख रही है कि पिछले 70 सालों से हमला हो रहा है, 2014 के बाद एक विस्फोट सा होता है और लगातार सीधा सीधा हमला होना शुरू हो जाता है और इस पर कोई मतलब कोई बोलने के लिए बहुत तैयार नहीं होता। तो कुछ लोग हैं उसमें जो अभी भी लगातार बोल रहे हैं जिसमें एक प्रोफेसर रतनलाल भी हैं। JNU के जो एक्टिविस्ट हैं या आप हैं जैसे, क्या राय रखते हैं ये ज्ञानवापी मंदिर मस्जिद का मुद्दे पे? और जैसे बहुत सारी मस्जिदों के बारे में बातें की जा रही हैं, यहाँ तक कि जामा मस्जिद के बारे में बात की जा रही है, क्या राय रखते हैं आप इस बारे? हमारी राय ये है कि हम यहाँ पढ़ने आए हैं और हम चाहते हैं कि शिक्षा को बचाना, हम चाहते हैं कि मेरी आने वाली नस्ल जो आने वाली पीढ़ियाँ होंगी वो बेहतर शिक्षा 120 रुपये की शिक्षा ग्रहण कर पाएगी कि नहीं, उसको हम चाहते हैं कि सरकार और इस देश के तमाम लोग जो भी सोचते समझते हैं, जिनको लगता है कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, जिनको लगता है कि आज नौकरी का दर इतना कम हो गया है कि नौकरियां मिले लोगों को, तमाम लोगों को, महिलाओं को मिले, दलितों को मिले, मुसलमानों को मिले, वो हमारे लिए अहम विषय है।
और हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी धर्म के खिलाफ ये जो लगातार चल रहा है हम उसके खिलाफ खड़े रहेंगे। हम इसलिए खड़े रहेंगे कि किसी को टारगेट इस देश में जो किया जा रहा है हम उसके खिलाफ। JNU के लोग तो खड़े हैं, JNU को लोग संविधान को बचाने के लिए भी निकले हुए हैं, उस संविधान को बचाने की लड़ाई में भी हैं, जिसके एक पन्ने के एक शब्द है जिसका नाम है सेकुलरिज्म, जिसमें तमाम धर्मों को अपनी आज़ादी दी गई है, तो उसको हम बचाने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। मुसलमानों को मंदिर मस्जिद के मुद्दे में उलझाकर सरकार ने टारगेट करी है, दूसरी तरफ अगर दलित आवाज़ उठाते हैं तो प्रोफेसर रतनलाल जैसे को टारगेट किया जाता है। देखिए ये सरकार जो है वो मुसलमानों को टारगेट नहीं करना चाहती, लेकिन मुसलमानों को टारगेट करके दलित समाज को टारगेट करना चाहती है। मेन चीज़ जो ये हिंदू राष्ट्र की घोषणा कह रहे हैं, संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ यही है कि ये दलितों पर जुल्म करना चाहते हैं। और क्योंकि मुसलमान सबसे ईजी चुका होते तो मुसलमानों को टारगेट करा जा रहा है। जिस तरह रतनलाल साहब को पकड़ा गया और आनंद फानंद रात को उनको गिरफ्तार करा गया, जैसे मानो बहुत बड़ा आतंक था और रोशनी में भाग जाता तो अंधेरे में छुप के उसको पकड़ा, एक शिकार करा गया, तो इससे पता चलता है कि वाकई भारत में, मैं लगातार कहती चली आ रही हूँ कि संविधान यहाँ पर बचा ही नहीं। संविधान का लगातार बलात्कार हो रहा है यहाँ पर, इंसानियत का बलात्कार हो रहा है, कम्युनिटीज़ का बलात्कार हो रहा है। जिस स्टूडेंट्स कुछ बोलता है उसको पकड़ के जेल में डाल देते हैं, प्रोफेसर कुछ बोलता है उसको पकड़ कर जेल में डाल देते हैं, और जो लोग खुल्लम खुल्ला संसद के नाम पर, धर्म संसद के नाम पर अधर्म उत्पाद मचाते हैं, वो दिल्ली पुलिस को नज़र नहीं आता है, वो उत्तर प्रदेश की पुलिस को नज़र नहीं आता। हाँ, अगर आप फेसबुक पर कोई भी पोस्ट लिखते हैं तो अगर आप दलित समाज से हैं, अगर आप मुस्लिम समाज से हैं, तो फौरन आपको पकड़ लिया जाता है। आपने देखा होगा जैसे लीची के नाम पर एक उत्तर प्रदेश में शामली में एक लड़के को उठाया गया, मुस्लिम युवक को उठाया गया, और जिस तरह इनको उठाया गया, इन्होंने भी शिवलिंग के बारे में कोई टिप्पणी करी। तो ये तो डेमोक्रेसी है यहाँ पर मुल्क में, हमें अपनी बात कहने का राइट्स है। तो यहाँ पर अगर हम अपनी बात कहना चाहते हैं तो हमें जेलों में डाल दिया जाता है। मैडम, तो आप किसी दूसरे धर्म की आस्था को ठेस थोड़ी ना पहुंचा, नहीं तो दूसरी धर्म को आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए सिर्फ ये वाला जो संविधान लागू होगा सिर्फ दलितों पर लागू होगा, मुसलमानों पर लागू होगा? जब ये अधर्मी संसद से जाते हैं और मुल्लाओं को काटने की बातें करते हैं, तलवारें बांटी जाती हैं, मुसलमान औरतों को कहा जाता है इनको उठा उठा के इनको मारो, हिंदू युवक इनके साथ उल्टे सीधे काम करके इनका धर्म खराब करें, तब कहाँ चला जाता है संविधान? तब कहाँ चली जाती है देश की पुलिस? तब कहाँ चला जाता है देश का गृह मंत्री मंत्रालय? तो ये सारा का सारे पता चलता है कि संविधान को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, सिर्फ दो कम्युनिटी के लिए यूज करा जा रहा है, मुसलमान और दलितों के लिए। और मैं लगातार कह रही हूँ सन 2023 में RSS को 100 साल हो जाएंगे, उसी की तैयारी है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, संविधान खत्म कर देंगे, और 24 तक इनको फिर दोबारा सत्ता में आना है तो मुसलमानों पर इतने जुल्म कर देंगे, इतने जुल्म कर देंगे कि हो सकता है 24 तक मुसलमान अपना सब्र का पैमाना तोड़ और कहीं ना कहीं वो सड़कों पर निकल आए, या कहीं ना कहीं वो भी इंतकाम लेना शुरू कर दे, और फिर ये कि देखो मुल्ले आतंकवादी होते हैं, देखो मुल्ला देखो किस भारत में क्या कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले सन 2014 से लेके सन 2024 तक ये मुसलमानों के साथ, मुल्लों के साथ क्या कर रहे हैं वो नहीं दिखाते, वो सोशल मीडिया पर नजर नहीं आता। सोशल मीडिया पर अगर आप एक पोस्ट करते हैं तो फौरन के फौरन आपका पेज उड़ा दिया जाता है। मेरा पेज उड़ा है, मेरे पेज पे 2.5 लाख फॉलोवर थे, और मैंने क्योंकि हिजाब को प्रोटेक्ट करा, मेरे 2.5 लाख फॉलोवर को खत्म कर दिया गया, पूरा मेरा पेज उड़ा दिया गया, रिमूव कर दिया गया, फेसबुक ने मुझे कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि जितने भगवा हैं, ये आतंकवाद मचाते हैं, उल्टी सीधी पोस्ट करते हैं, मुसलमानों के खिलाफ करते हैं, दलितों के खिलाफ करते हैं, JNU के खिलाफ करते हैं, DU के खिलाफ करते हैं, तो इनके पेज को कुछ नहीं होता, इनके अकाउंट पे कुछ नहीं होता। तो साफ पता चल रहा है ये पूरा का पूरा भारत समाज, भारत की सरकार, भारत की मंत्रालय, भारत की पुलिस टोटल जो है वो शिकंजा जो कस रही है वो मुसलमानों पर और दलितों पर कस रही है। किसी को भी कुछ बोलने के लिए अरेस्ट कर लिया जाता है। कुछ दिन पहले हम लखनऊ यूनिवर्सिटी में देखे डॉक्टर रवि, प्रोफेसर रविकांत जो वहाँ पढ़ाते हैं, वहाँ ABP के गुंडे आके किस तरीके से उनके साथ मारपीट की है। ज्ञानवापी मस्जिद में जो अभी उस पर विवाद चल रहा है, उस पर कुछ बोलने के लिए, कुछ लिखने के लिए प्रोफेसर रविकांत को तो एक कविता पढ़े थे, कविता पढ़ने के लिए, सोशल मीडिया पोस्ट लिखने के लिए अरेस्टिंग्स हो रही है। लेकिन तब अरेस्टिंग्स नहीं होता जब धर्म संसद से बोला जाता है कि हिंदू मुसलमान महिलाओं का रेप करो, मुसलमानों का कत्ल करो, तब कोई अरेस्टिंग नहीं होता, तब अभिव्यक्ति का पूरा आज़ादी है। लेकिन प्रोफेसर रतनलाल के बारे में कहा जा रहा है कि उनके जो मतलब विचार हैं उससे दूसरे धर्म की भावनाओं को ठेस पहुँची, उन्होंने शिवलिंग का मजाक उड़ाया। जब ये ऑर्डर आता है, जब ये धर्म संसद से बोला जाता है कि मुसलमानों का कत्लेआम करो, तब किसी धर्म का धर्म को ठेस नहीं पहुंचता, तब नहीं ठेस पहुंचता, तब क्यों अरेस्टिंग नहीं होती? और ये तो हेट स्पीच है, और रतनलाल के पोस्ट में कोई हेट स्पीच नहीं था, किसी को मारने का काटने का कोई कॉल नहीं था,
रतनलाल एक हिस्टोरियन है, अगर वो कुछ हिस्ट्री के फैक्ट्स बोलते हैं, उनका कुछ काम है अगर वो बोलते हैं, ये तो फिर तो हम ये नहीं बोल पाएंगे कि साउथ में साउथ इंडिया के साउदर्न स्टेट्स में जितने भी डायनेस्टीज थे वो एक दूसरे से लड़ते थे और इस लड़ाई के प्रक्रिया में हिंदू राजा हिंदू मंदिर को तोड़े हैं, ये तो नहीं बोल, ये तो इतिहास के तथ्य है, तो फिर ये बोलने के लिए अरेस्ट हो सकते हैं। छात्र अगर आवाज़ उठाए तो वो अरेस्ट हो जाते हैं, प्रोफेसर भी अब आवाज़ उठा रहे तो वो भी अरेस्ट हो रहे हैं, ये सरकार करना क्या चाह रही है? ये जो भी पढ़ने लिखने वाला तबका है उसको दबाओ, उसको बोलने ही मत दो कि ये इस देश मोदी सरकार को खतरा है उन लोगों से जो सोचते हैं समझते हैं बोलते हैं सवाल करते हैं, और वो तबका यूनिवर्सिटीज़ में है, तो यूनिवर्सिटीज़ में निकलने वाली हर आवाज़ को डिलेजिटिमाइज करो, और अगर डिलेजिटिमाइज नहीं हो रहे तो अरेस्ट करो, मुंह बंद कर दो, अंदर रखो। अभी के बाद अब जामा मस्जिद के लिए कहा गया कि हनुमान मंदिर, और ये आज की बात नहीं है, कुछ साल पहले डूसू जब दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन इलेक्शंस के चुनाव का रिजल्ट आया वहाँ पे स्लोगन लग रहा था बाबरी तो झांकी है जामा मस्जिद बाकी है, अभी भी हाँ, ये हमेशा इनका जो भी मस्जिद है उनको लेके एक आप अलग क्या लगता है जिस तरह, जिस तरीके से ज्ञानवापी पे सर्वे का हुक्म दे दिया गया, जिस तरह सील कर दिया गया वजू खाने को, तो क्या जामा मस्जिद में भी ऐसा कोई हुक्म जारी होगा? ये क्या होगा कि नहीं हमको नहीं पता, लेकिन अगर तो सत्ता पक्ष को लगता है होगा तो आप लोग क्या करेंगे उसके लिए? देखिए जब बाबरी को भी ढहाने, बाबरी के इर्द गिर्द भी एक कॉम्युनल माहौल बनाया गया, उसको ढहाने के लिए कॉल्स आए, तो आयशा गई थी वहाँ पे और उसके खिलाफ कैंपेन किया था, तो अगर ये बात होती तो एकदम हम लोग इसके खिलाफ खड़े रहेंगे। मैडम ऐसा तो नहीं कि दूसरी बाबरी दोहराई जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि भाई मुद्दे तो अब रहे नहीं, अब देखिए इस देश में CNG 2 महीने पहले 44 रुपए किलो था, आज के डेट में 80 रुपए किलो टच किया है, या आम जनता खाना नहीं खा पा रही है, आम चीज़ों का कीमत बढ़ गया, इस पर कोई बातचीत नहीं हो रहा है, क्योंकि इस पर बातचीत होने से पहले कोई मंदिर मस्जिद कोई हिंदू मुसलमान का ये कर दे रही है, ये सरकार दो तरफ पे खेल रही है, एक हिंदू मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़ाते रहो और दूसरा अंबानी अडानी जैसे पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाते रहो, इन दोनों चीज़ों पे वो खेल रही है। अगर इस मामले को ज़्यादा तूल दिया गया तो छात्र यूनियन क्या करेगी? ये हमारा प्रदर्शन, हमारा कैंपेन छात्रों में सवाल को लेकर कि इस देश में साझी शहादत का एक चलन रहा है, बिस्मिल अशफाक भगत सिंह सब मिल के लड़े थे अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ, और इसी बात को लेके हम बार बार जाएंगे। ये देश अगर बना है तो हिंदुओं का भी उतना खून है जितना मुसलमानों का खून इस मिट्टी में मिला है, और सबके खून से हिंदुस्तान बना है, और यही हिंदुस्तान का विरासत है, और इसी को आगे ले जाने की ज़रूरत है।